12.4 चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दाहिने हाथ का नियम, राइट हैंड रूल फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सीधे धारावाही चालक तार में बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को दाहिने हाथ के नियम से आसानी से ज्ञात किया जाता है। कल्पना कीजिए कि जब आप दाहिने हाथ में धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा धारा की दिशा में है, तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी, जैसा कि चित्र 7 में दर्शाया गया है। 12.5 वृत्तीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। हमने सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की आकृति देखी है। अब मान लीजिए आप इस तार को मोड़कर एक वृत्ताकार रूप में मोड़कर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें, तब इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की आकृति देखें। इसके लिए वृत्ताकार लूप को एक पतली कार्डबोर्ड शीट में लगा देते हैं। चित्र 8। तार के वृत्ताकार लूप में से जब धारा प्रवाहित की जाती है तो कार्डबोर्ड पर पुनः लौह चूर्ण डालें, तब तार चित्र 8 के चारों ओर नज़दीक में वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बन जाती हैं। जैसे जैसे हम केंद्र से दूर जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाने वाले संकेंद्री वृत्त बड़े होते जाते हैं तथा केंद्र से अधिक दूरी पर सरल रेखा जैसे प्रतीत होते हैं। दाएं हाथ का नियम लगाकर यह देखा जा सकता है कि धारा ले जाने वाले वृत्ताकार तार का प्रत्येक भाग वृत्ताकार तार के अंदर समान दिशा में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न करता है तथा केंद्र पर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समान एवं एक ही दिशा में होती हैं और इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में वृद्धि होती है। आइए इसके लिए क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 4। आवश्यक सामग्री, आयताकार कार्डबोर्ड, विद्युतरोधी कॉपर तार के कई फेरों, 50 की बनी वृत्ताकार कुंडली, धारा नियंत्रक, बैटरी 6 वोल्ट, दाब कुंजी, अमीटर। विधि, पहला, एक आयताकार कार्डबोर्ड लीजिए जिसमें 2 छिद्र हों। दूसरा, इसमें एक ऐसी विद्युतरोधी कॉपर तार के कई फेरों की बनी एक वृत्ताकार कुंडली लगाएं जो उस कार्डबोर्ड के तल के अभिलंबवत हो। तीसरा, चित्र 8 में दर्शाए अनुसार कुंडली के श्रेणी क्रम में बैटरी, कुंजी, धारा नियंत्रक व अमीटर लगाएं। चौथा, कार्डबोर्ड पर लौह चूर्ण एक समान रूप से फैलाएं। पांचवा, कुंजी लगाकर परिपथ पूरा कीजिए। छठवां, कार्डबोर्ड को हल्के से थपथपाएं। कार्डबोर्ड पर जो आकृति बनती दिखाई दे उसका अवलोकन कीजिए। हमने जाना है कि किसी धारावाही चालक के कारण किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यदि हमारे पास n फेरों की कुंडली है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता n गुना होगा। इसका कारण यह है कि प्रत्येक फेरे में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा समान है। वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या कम कर पुनः इस क्रियाकलाप को दोहराएं। धारावाही कुंडली पतले डिस्क चुंबक के रूप में व्यवहार करता है जिसका एक फलक उत्तरी ध्रुव और दूसरा फलक दक्षिणी ध्रुव होता है।